हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं फिलहाल हूँ मुंबई के अक्सा बीच पर, ये मलाड वेस्ट में है और यहाँ पर लगभग 8 बजे का वक्त हो रहा है। मैं यहाँ पे ऐसे ही काम से आया था, लेकिन फिलहाल आपसे यही कहना चाहूंगा कि कल एक बड़ी खबर आई। वो खबर ऐसी थी कि सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का सेंसर सर्टिफिकेट कैंसिल कर देना चाहिए और इस फिल्म को रिलीज करना, मतलब बिल्कुल रिलीज ना करने दिया जाए, इस तरह की बातें उठी। और ये बात आखिर क्यों उठी, ये एक बड़ा सवाल है। कई लोगों ने कहा कि सूर्या आप जरूर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मेरा यही कहना है कि हुड़ हुड़ दबंग सॉन्ग में हमने देखा कुछ मॉन्ग्स को और एक तरह का डांस करते हुए और एक तरह का है ना, एक तरह का जो परफॉर्मेंस करते हुए सलमान खान जब नाच रहे, पीछे वो भी नाच रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल हुआ। एक बेंगलोर बेस्ड एनजीओ ने ये कहा कि शायद इससे ना जो जो भावनाएं है कुछ कम्युनिटी की, वो हर्ट हो रही है। लेकिन कहने की बात ये है कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन मार्क क्यों, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है। पद्मावत को ले ले, इसके पहले कई सारी फिल्मों को ले ले, माय नेम इज़ खान के दौरान भी, माय नेम इज़ खान के ऊपर भी जो फिल्म आई थी उस पर भी इश्यूज़ हुआ था। तो यानी कि हर एक फिल्मों पर इश्यूज़ होते ही रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक सिनेमा को सिनेमा के हिसाब से देखना चाहिए। और एक और बड़ी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, वो ये है कि सेंसर सर्टिफिकेट कैंसिल करना कोई एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि एक फिल्म से हजार लोगों की रोजी रोटी चलती है, उनके चूल्हे जलते हैं, साल डेढ़ साल दो साल की मेहनत होती है। तो एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट ना दिया जाना, ये एक बचकानी बात होगी। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है अगर सही में किसी को हर्ट हो रहा है या फिर उतना सही नहीं लग रहा है तो सीन्स को हटा देना चाहिए, तो उतना इजीली पॉसिबल है, राइट। इतना बड़ा बात का बखेड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मुझे भी वैसे शाम को ही कल पता चल गया था इस बारे में, बट मैंने खुद को थोड़ा सा सोचा कि परहेज रखा इस बारे में बताने से, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है इस बारे में बताना चाहिए। मेरे हिसाब से सिनेमा एक ऐसा मीडियम है, उसे उसी तरह देखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सिनेमा जितना ओरिजिनल है, जितना उस पर फ्रीडम मिलेगा, उतना बेहतर वो सिनेमा बन पाता है। अगर सिनेमा पे दबिश होगी, उस पर इश्यूज उठाएंगे, तो यार अच्छा सिनेमा हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और पहली बार हो चुका है ऐसी चीज़ें, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट कैसा है ना, अब इश्यू उठा है, बोलते ना धुआं उठा है तो आग तो लगेगी ही, तो बस वैसे ही सीन है। आई होप जल्दी ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाए, और मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों के ऊपर हवा देनी चाहिए, तूल देनी चाहिए, और वी होप दबंग थी प्रॉपर तरह से रिलीज़ हो। वी होप क्या होगी ही रिलीज़, और बाकी जहाँ तक प्यार की बात है, सभी प्यार करते हैं भाईजान को, एंड वी होप बेस्ट ऑफ लक फॉर दबंग थी, एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर दिस फिल्म इन ए बिग बिग वे। चलिए फिलहाल कितना ही, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।